हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड के लोग और मेरा नाम है यश। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं हमारे नरेंद्र नगर के टूर के बारे में। नरेंद्र नगर उत्तराखंड के टिहरी जिले में पड़ता है। ये पहले तीन कारणों से लोकप्रिय है। एक तो ऋषिकेश के साथ इसकी निकटता, और दूसरी बात यह गंगोत्री और यमुनोत्री के मार्ग पर स्थित है, और तीसरा ये नगर गढ़वाल की सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए है। नरेंद्र नगर समुद्र तल से 1322 मीटर की ऊंचाई पर और ऋषिकेश से 16 किलोमीटर दूर स्थित है। ये शहर गंगा नदी और दून घाटी के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने वाला एक आकर्षक शहर है। नरेंद्र नगर टिहरी राज्य की पूर्व राजधानी थी। पहाड़ों के सुंदर नजारों और चमकते हुए शानदार हिमालय के लिए ये जगह काफी प्रसिद्ध है। घने और हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। नरेंद्र नगर का वर्तमान शहर 1919 में अस्तित्व में आया, जब टिहरी गढ़वाल के महाराजा नरेंद्र शाह अपनी राजधानी टिहरी से एक और अधिक सुरम्य स्थान पर चले गए। पहले गढ़वाल राजाओं की राजधानी टिहरी हुआ करती थी। शिवालिक तलहटी में बसा छोटा शहर न केवल अपनी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए चुना गया था, बल्कि नीचे के मैदानों से भी इसकी निकटता के लिए चुना गया था। जब मौसम साफ होता है तब ऋषिकेश, हरिद्वार और गंगा नदी के पहाड़ों से मैदानों में बहते हुए हरिद्वार के एरियल शॉट आप ले सकते हैं। यहाँ टिहरी के राजा का एक महल है। प्रथम विश्व युद्ध की दो शानदार तोपें शाही प्रवेश द्वार को सुशोभित करती हैं। महल के शाही गलियारे में काफी बड़े बड़े नेताओं का आना हुआ है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, आध्यात्मिक गुरु आनंदमयी माँ, स्वामी शिवानंद और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब इस महल को बदलकर एक होटल का रूप दे दिया गया है, पर अभी भी महल के अंदर और दीवारों पर उस समय की वास्तुकला और संस्कृति के बारे में आप जान सकते हैं। ये महल काफी शानदार, आकर्षक और अपने आप में अद्भुत है। इस स्थान का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। यह प्राचीन काल से इसे आध्यात्मिकता और ध्यान के केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि उद्धव को इस स्थान पर घोर तपस्या करने के लिए जाना जाता है। साथ ही ज्योतिष के संस्थापक पराशर को ग्रह और सितारों की गतिविधियों पर विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने के लिए जाना जाता है। उनकी वेदशाला को अब स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के रूप में बदल दिया गया है। महाराजा नरेंद्र शाह एक प्रबुद्ध शासक थे, जैसा कि आप नरेंद्र नगर की साफ सुथरी छोटी शाही बस्ती की सुव्यवस्थित नागरिक इमारतों में देख सकते हैं। अस्पताल और सचिवालय जैसी कुछ इमारतें आज भी उपयोग में हैं। बाजार की इमारतें भी एक सदी पुरानी हैं। अंतिम महाराजा मानवेंद्र शाह ने 1946 में महाराजा नरेंद्र शाह से टिहरी गढ़वाल की बागडोर संभाली, जिन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में त्याग किया।
भारत को स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद इस प्रांत को अंततः उत्तर प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। यहाँ का लाजवाब मौसम और नेचुरल एनवायरनमेंट आपका दिन बना देगा। यहाँ से हिमालय के शानदार नज़ारों का दीदार कर सकते हैं। अब बारी आती है उन एक्टिविटीज़ की जो आप यहाँ पर रह के कर सकते हैं। नंबर वन पर है स्पा और मसाज। यहाँ पर एक स्पा सेंटर है जहाँ पर आप स्पा और मसाज का आनंद ले सकते हैं। नंबर दो है योगा और मेडिटेशन। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों और हरियाली के बीच में शांत और ताज़े वातावरण में योग करना एक बहुत आनंददायक अनुभव है। यहाँ का मेडिटेशन आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस दिलाएगा। और नंबर तीन है कि यहाँ के नज़ारों में और हरियाली के बीच अगर आप चाहें तो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। चौथा, फोटोग्राफी लवर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर आप चाहें तो हरे भरे पहाड़ों और सुंदर हिमालयाज की फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इतिहास को जानना पसंद करते हैं और किसी नई सुंदर और नेचुरल जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं। यहाँ से एक छोटा खूबसूरत पहाड़ी शहर आगे है जिसका नाम है चंबा। चंबा की कुछ तस्वीरें आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप यहाँ से दूसरी लोकेशन को देखना चाहते हैं तो नज़दीकी चंद्रपत्नी टेम्पल, देवप्रयाग और कुंजापुरी देवी के मंदिर को देख सकते हैं। साथ ही टिहरी डैम भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।